हमारे चैनल लॉन्ग टर्म शेयर्स LTS में, और अगर आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और कई अल्टरनेट वीडियोस में कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हम किस ब्रोकर के यहाँ अपना अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। भाई, एक अफिलिएट लिंक के तहत मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़ीरोधा का मैं हर वीडियो में नीचे ये देता हूँ लिंक। अगर इसके लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो एक पेज खुलता है और आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इजिली आपको ऑनलाइन ही खुल जाएगा फटाफट। बहुत अच्छा से इनका सपोर्ट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन के माध्यम से आपका अकाउंट खुल जाएगा और कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो कंपनी है पिडिलाइट इंडस्ट्री, पिडिलाइट के काफ़ी सारे लोगों ने ऐड देखा होगा और बहुत बेहतरीन ऐड है, उनको कांस में नवाजा भी जा चुका है, काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है, लेकिन उन सब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए रिटर्न। तो जब हमें चाहिए रिटर्न तो हमें देखना है कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी पे क्या कर्ज़ा है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है, क्या कंपनी निरंतर परफॉर्मेंस देती है, तभी हम कमा पाएंगे, और उसके 10 सालों के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड्स क्या हैं और आने वाले समय में क्या रिटर्न्स देंगे। तो ये सब बातों को हम देखते देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे उसकी। तो वेबसाइट पे इसलिए जानना ज़रूरी है, किसी भी हम कंपनी के स्टॉक को अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। द बर्थ ऑफ फेविकॉल 1959, एवरीथिंग ग्रेट स्टार्ट स्मॉल एंड पिडिलाइट इज नो एक्सेप्शन। द कंपनी स्टार्ट विद अ सिंगल फैक्ट्री, एक छोटी सी फैक्ट्री उन्होंने खोली थी 1959 में, दैट मैन्युफैक्चर्ड ओनली वन प्रोडक्ट, जो केवल एक प्रोडक्ट बनाता था फेविकॉल का। दिस वाइट सिंथेटिक रेसिन एडहेसिव वॉज प्राइमरली लॉन्च टू मेक द लिप्स ऑफ कारपेंटर्स एंड वुड वर्कर्स। जो इन्होंने एक गोंद, एडहेसिव मतलब चिपकाने वाला पदार्थ, जो गोंद या गम जो भी कह लें, जो फर्नीचर में इस्तेमाल होता है या सनमाइका के जो प्लाईवुड्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो कारपेंटर्स के लिए इन्होंने जो पहली दफ़ा शुरुआत की थी एंड वुड वर्कर्स इजी। अब अनटिल देन, तब तक उसके पहले तक एनिमल फैट यानी चर्बी से पदार्थ वो बनते थे, जो कि बहुत ही क्लमजी एंड कम्बर्सम वॉज द ओनली वन ग्लू अवेलेबल, जो कि उस समय सिर्फ उसी से बने हुए प्रोडक्ट अवेलेबल थे, तो बहुत सारे लोग नहीं लाइक करते थे। तो इस तरीके से इनकी फैक्ट्री यहाँ से शुरुआत की। और कमीशनिंग ऑफ मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स 1963 में इन्होंने इनका अपना प्लांट इस्टेब्लिश किया। बेयरली 4 ईयर्स आफ्टर स्टार्टिंग द कंपनी, द फर्स्ट मॉडर्न मैनुफैक्चरिंग प्लांट वॉज इस्टेब्लिश इन कोंडीविटा विलेज, मुंबई। कोंडीविटा टुडे दिस बिल्डिंग हाउसेज द कॉरपोरेट हेड ऑफिस। अच्छा, इनका हेड ऑफिस बन चुका है अभी। और 1990 में establishing brand Pidilite, इन्होंने एक ब्रांड का नाम दिया, द नेम Pidilite Industries Private Limited was incorporated, thus taking the first step towards brand recognition. और 1993 में Pidilite was listed, इनकी जो है अपने जो भारतीय बाजार है BSE NSE मार्केट में इन्होंने अपनी लिस्टिंग कराई 1993 में। और Fevicol makes it to the top 15, 1997, there is no stopping now, Fevicol continues to win hearts and market share and is ranked amongst the top 15 Indian brands by FE brand Wagon Yearbook 1997. तो इनको 15 जो भारत की सबसे टॉप कंपनीज हैं उनमें इनको स्थान मिला। और सॉरी, हाँ, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिक, एमसिल इज एक्वायर्ड, इन्होंने एमसिल जो कंपनी थी इसको एक्वायर्ड किया। ए न्यू डिवीजन इज सेटअप 2000 में, एमसिल अ लीडिंग ब्रांड ऑफ प्रॉक्सी कंपाउंड्स वॉज एक्वायर्ड, दिस लेड द फाउंडेशन फॉर अ न्यू डिवीजन, द कंपनीज मेंटेनेंस डिवीजन। तो एमसिल से आप सभी परिचित होंगे इस प्रोडक्ट से। और डॉक्टर फिक्सिट द वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट्स, ये 2001 में डॉक्टर फिक्सिट की जो है स्थापना, जिन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। Pidilite launched Dr. Fixit, an extensive range of construction chemicals, thus diversifying its product range. Dr. Fixit was especially developed as a waterproofing solution to the used in new constructions or in the repair of old ones.
डॉक्टर फिक्सिट, ये आपको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी जानते होंगे और आपने हो सकता है कि प्रोडक्ट्स यूज़ भी किए। जब कोई कंस्ट्रक्शन होता है, बनता है, तो इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई लीकेज या फिर ऐसी कोई सीलन या कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें की प्रॉब्लम ना हो, या ऑलरेडी जो बन चुकी हैं बिल्डिंग उनमें भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। सो एंड ट्रूली अ विनर फेविकॉल विंस एट कांस, जिनका एक ऐड था बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ था, इनको 2002 में अवार्ड भी मिला था, तो ये बहुत अच्छी बात है। और 1000 करोड़ का टर्नओवर इन्होंने किया 2004 में, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उपलब्धि थी। जस्ट ओवर 4 decades आफ्टर इट्स लॉन्च्ड, पिडिलाइट डिक्लेयर्ड अ टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। द कंपनी हैड ग्रोन 1000 times इन जस्ट 45 years, मतलब 45 सालों में 1000 गुना ग्रो किया, बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेशनल अगर देखते हैं इनके जो एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंडिंग द ग्लोबल फूड प्रिंट 2006 में पिडिलाइट यूएसए INC एक्वायर्ड बिजनेसेस एंड असेट्स ऑफ सर्जेंट आर्ट INC, यानी कि इन्होंने एक्वायर्ड किया वहाँ की मेकर्स ऑफ आर्ट मटेरियल विच हैड बीन सेलिंग वर्ल्ड क्लास आर्ट मटेरियल्स इन USA फॉर ओवर 50 years। जो वहाँ की एक आर्ट मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी थी उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया, जो 50 सालों से वहाँ प्रतिष्ठित थी। पिडिलाइट एक्वायर्ड ट्राई स्टार कोलमैन, नाउ नोन एज कोल स्टार, अ मार्केट लीडर इन ब्रशेस, कैनवासेस एंड कलर्स। इस प्रकार से इन्होंने जो एक्वायर्ड काफ़ी चीज़ें की हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री, पिडिलाइट इस्टेब्लिश इट्स सिंगापुर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टैलेंट एंड एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट इनोवेशन स्ट्रेटजीज। तो इनका R&D भी है, R&D सेंटर यहाँ पे सिंगापुर में इन्होंने बना रखा है। और इनको अवार्ड्स मिला 2016 में, अनदर ईयर अनदर अवार्ड। तो ये इनकी जर्नी रही है अब तक की, तो ये बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है। अब इसके हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स रहे हैं। देखिए आज है 29 अगस्त 2019, और 1362 रुपये के भाव पे आज मार्केट में काफ़ी गिरावट है। 311 जो समय हो रहा है अभी, 12:51, तो सेंसेक्स में भी गिरावट है और निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट है, निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट है अगर देख सके तो। तो पिडिलाइट 1362 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा, 16 रुपये गिरावट है। और फाइनेंशियल जो इनके हैं, देखिए अगर हम क्वार्टर वन पे कंपेयर कर रहे हैं, जून 19 पे, तो देखिए नेट सेल्स में यहाँ 23% की अपसाइड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 60% के आसपास की अपसाइड है, और शुद्ध लाभ में यहाँ पे 24% से ज़्यादा की अपसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ पे कम से कम 5% की अपसाइड है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम साल दर साल यानी ईयर ऑन ईयर देखते हैं, जून 18 से जून 19 में देखते हैं, तो 9-10% के नेट सेल्स में भी अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16% से ज़्यादा की अपसाइड है, नेट प्रॉफिट में भी 22% से ज़्यादा की अपसाइड, और मार्जिन में भी यहाँ पे 1% से ज़्यादा की अपसाइड है। तो बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और अगर हम कुछ और बेसिक चीज़ें निकले, हम रिटर्न भी आपको दिखाएंगे इनके 10 सालों के कि किस प्रकार के इनकी ROCE है। रिटर्न ऑन इक्विटी है इनकी 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 34%, सेल्स ग्रोथ है 9.71 और स्टॉक पी है 70.64 की। जो साल का हाई था वो 1400 तक गया था, लो बनाया था 895 का, और अभी 1300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम कुछ इनके अनवरत कुछ सालों के देखते हैं, तो 2008-2009-2010 से अगर हम लगातार नेट सेल्स में ग्रोथ देख रहे हैं, तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है इनके नंबर्स पे, और वहीं नेट प्रॉफिट में भी हम एक नज़र मारते हैं तो लगातार कंसिस्टेंसी इन्होंने बना रखी है अपने नेट प्रॉफिट में भी, हाँ लगातार ग्रोथ है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, 10 सालों में लगातार ग्रोथ कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और ज़ीरो डेट भी हम देखेंगे कैसा है। तो डेट पे हम अगर हम चलते हैं, रिज़र्व देखते हैं पहले पास, तो इनके पास रिज़र्व है मार्च 19 के जो आंकड़े हैं वहाँ 4000 करोड़ के आसपास है, तभी ये कंपनियों को एक्वायर भी कर रहे हैं जो इनकी सब्सिडरीज़ हैं एब्रॉड में।
और बॉरोविंग्स के नाम पे इनके पास 113 करोड़ है, यानी कि ज़ीरो ही कह सकते हैं, क्योंकि ऊँट के मुंह में ज़ीरा वाली बात है, यहाँ पे इनके पास कर्ज़ा नहीं है। और अब हम प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आपको, हम रिटर्न दिखा देते हैं भाई किस प्रकार के रहे। देखिए 10 वर्षों में जिन्होंने 1,00,000 रुपये अनुमानतः लगाया था तो उनका हो चुका है 18,84,000, यानी 1,784% के रिटर्न्स हैं 10 वर्षों में। तो एक लंबे समय की अवधि के लिए जब हम होल्ड करते हैं किसी स्टॉक को और एक अच्छी कंपनी को, तो भले ही 1-2 साल या 3 साल या 4 साल में ना दे, लेकिन अगर 10 साल का एक लंबा पीरियड हो सकता है तो हो सकता है 5 सालों में अच्छा रिटर्न मिल जाए आपको, हो सकता है 10 सालों में मिल जाए, क्योंकि कंपनी अगर कंसिस्टेंट अपनी ग्रोथ जो है अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो कोई नहीं रोक सकता रिटर्न देने में, प्लस डिविडेंड बोनस ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंपनियां देती रहती हैं। तो 5 सालों में 232% के रिटर्न हैं, 4 सालों में 140 और 3 सालों में 100% के आसपास, और 2 सालों में 64%, 1 साल में 18% से ज़्यादा की, ईयर टिल डेट 22%, 6 मंथ में 18%, 3 मंथ में 7 से ज़्यादा के परसेंट रिटर्न है, और 1 मंथ में 10% के आसपास रिटर्न है, और 1 वीक में भी 0.08, मतलब ग्रीन में है। आज थोड़ी गिरावट है क्योंकि पूरे भारतीय बाजार में गिरावट है, लेकिन इतने गिरावट के बावजूद भी अगर आपको हरे के निशान पे ऐसी कंपनियों के रिटर्न दिख रहे हैं, मतलब लाल नहीं दिख रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे निफ्टी 50 चाहे ले लो चाहे सेंसेक्स ले लो, पूरे बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट चल रही है। तो जो अच्छी कंपनियों में लोग निवेशित हैं उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम जो पैसा किसी स्टॉक में डालते हैं तो हम कितना कमा रहे हैं, पहले हमें देखना है कि हम कितना लॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम लॉस नहीं कर रहे हैं तो हम कमा लेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है तो आने वाले समय में तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे ही ना, तो हमेशा अच्छे कंपनियों में ही निवेश करें ये, और रहें देखिए रिस्क भी लेना चाहिए। मैं नहीं कहता कि माइक्रो कैप कंपनीज़ में जहां आपको लगता है छोटी प्राइस का आपने ले लिया, तो लेने के बाद फिर थोड़ा सा रिस्क और रिवॉर्ड का चक्कर रहता है, तो आप पेशेंटली आपको होल्ड करना चाहिए, चीख पुकार नहीं मचानी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो में अगर आपने 70% करीब करीब आपने अच्छे प्रोडक्ट्स रखे हैं, अच्छे कंपनियों के रखे हैं, तो 30% का आप रिस्क ले सकते हैं थोड़े से, लेकिन कोई भी स्टॉक कोई भी अपना सारा पैसा किसी, फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में पूरा पैसा कभी निवेश ना करें। डाइवर्सिफाई रखें अपना पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो में कम से कम 10 स्टॉक तो होने चाहिए अलग अलग सेक्टर के, है ना। जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें थोड़ा सा रुक जाइए, जो सेक्टर आने वाले समय में जिनकी डिमांड बनी रहेगी, मान लीजिए पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में मैंने जो बताया, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा उनकी मांग बनी रहेगी। बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ज़रूर बनी रहेगी, प्रोडक्ट्स बिकते रहेंगे, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहेगी और आपका आपको रिटर्न अच्छा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हाँ, मनी कंट्रोल की साइट पे हैं, रिटर्न भी आप देख चुके हैं। मुझे लगता है कि वीडियो अब यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए, लेकिन हम डिविडेंड हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ताकि आपको भाई जो निवेश करता है उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना, जो टैक्स फ्री हो एक लिमिट तक। तो आपको यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री पर किस, देखिए 2019 में भी दे चुके हैं, नेट की वजह से थोड़ा सा हाँ, साढ़े मतलब 6.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिया है। कब दिया है? 29 जुलाई को, और हर साल अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। पिछले साल इन्होंने 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो जितने आपके पास शेयर्स हैं उस हिसाब से आपको पर शेयर के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो बेहतरीन इनका डिविडेंड भी है। दोस्तों मैं यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ, आप कुछ सुझाव तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।